नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर पेट्रोल पंप पर वेन में लगी आग। कोतवाली के SI राधाकृष्ण और यातायात के हेड कांस्टेबल की तत्परता से टली बड़ी घटना। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे करीब शहर के 3 बत्ती चौराहा पर स्थित बूंदी फीलिंग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आई वेन में पेट्रोल भरवाने के बाद वेन स्टार्ट करने के बाद अचानक से वेन में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी माहौल हो गया एवं लोगों में भगदड़ मच गई, जिसको देखकर पास में ही खड़े शहर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर राधाकृष्ण एवं यातायात शाखा के हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह हादा दौड़कर आए एवं अपनी जान की परवाह किए बिना जलती हुई वेन को धक्का मारकर पेट्रोल पंप से बाहर लेकर आए और फायर ब्रिगेड को फोन कर समय रहते आग पर काबू पाया गया। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि पेट्रोल पंप पर अचानक वेन में आग लगने से हम सभी घबरा गए थे। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पेट्रोल पंप तक आग पहुंच जाती तो शहर में आसपास 2-3 किलोमीटर तक आगजनी की घटना हो सकती थी, जिसमें कई जनहानि व भारी नुकसान होने की संभावना थी। जिसने भी पेट्रोल पंप पर जलती हुई वेन के मंजर को देखा, सभी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए दूर भागते हुए नजर आए। वहीं शहर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर राधाकृष्ण और यातायात शाखा के हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह हादा ने अपनी जान पर खेल कर बहादुरी दिखाते हुए आग बुझाने में मदद भी की और समय रहते जलती हुई वेन को भी धक्का मारकर पेट्रोल पंप से दूर ले गए, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई है। पुलिस कर्मियों द्वारा जलती हुई वेन को धक्का मारकर पेट्रोल पंप से दूर ले जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। सर क्या मामला हो गया, आग लगी है वेन में? अभी मैं अदालत जांच करने के लिए आया था, जैसे ही पेट्रोल पंप हुआ एकदम से धुआं नजर आया, रोड के गए थे, एक वेन में आग लगी हुई थी, उसको बुलवा के यहाँ लाया और वहाँ से जो फायर जो बुझाने का आग बुझाने का सही थे उसके वहाँ के कर्मचारी से आग लगी। आग कैसे लगी, क्या संभावना है, किस प्रकार से आग लगी? पेट्रोल पंप किया पेट्रोल पंप के अंदर ही। अच्छा, अगर वहाँ के थोड़ा सा तो बड़ी घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। पेट्रोल की इसको आप ही लाए गुड़गा के? क्या नाम है आपका? हाँ सर, वेन में आग लगने की मामला सामने आया। क्या हम दोनों यहाँ बत्ती पकड़े थे, आपस में बातें कर रहे थे, ड्यूटी के दौरान हमने देखा पेट्रोल की तरफ से बहुत जोर से धुआं निकल रहा था। वहाँ पहुँच के देखा तो मारुति में आग लगी हुई थी, फिर हमने वहाँ से जाके और उसको धक्का दे के गाड़ी को बत्ती से आगे लाके खड़ा करके और यहाँ इसकी आग बुझाई। पेट्रोल पंप के अंदर वहाँ जो गाड़ी वहीं लगी आग, धक्का देखे हम दोनों साथ ही थे, धक्का देखे उसको गाड़ी को लाया बिना स्टार्ट करके यहाँ लाके इसको आग बुझाई। अब तो काबू में, ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जाना नहीं, कोई नहीं। आपका नाम बता दो। इनमें आग लग गई, क्या मामला हो गया था? कुछ भी नहीं, घर से लेके आया था, पेट्रोल डलाया, ऑटोमेटिक आग लगी। अच्छा, पेट्रोल डलाते आग लगी, काय में लगी, किस जगह लगी आग? ये नीचे से धुआं उठा था, आग तो दिखी नहीं है। अच्छा, ये आग लगी या नहीं लगी या तार बड़े या नहीं बड़े, ओनली बस धुआं दिखा था आग। क्या शॉर्ट सर्किट है, क्या कारण हो सकता है? क्या मालूम। क्या नाम है? कुलदीप। किसकी गाड़ी है? मेरी।
मामला हो गया, बताओ वेन में। अभी वेन आई थी भरवाने पेट्रोल, तो पेट्रोल भरने के बाद जैसे ही उसने स्टार्ट किया गाड़ी को, स्टार्ट करने के बाद अचानक से उसमें से आग लग गई। कारण हो सकता है सर उसका, है ना। जैसे ही आग लगी तो स्टाफ कर्मचारियों ने उसको तत्पर सा मतलब शीघ्रता से वैन को बाहर निकाला और अपनी जो अग्निशमक यंत्र अपने पास उससे आग बुझाई और उसको बाउंड्री से बाहर निकाला पंप से। अच्छा, बाउंड्री में अगर आग लगती तो बड़ी घटना हो सकती थी। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी सर, आसपास के 5 किलोमीटर को लेकर चल जाता है। अच्छा, पुलिस आ गई थी मौके पर, मौके पर आ गई, पुलिस ने मदद की इस मामले में, हेल्प की सर, और दमकल वगैरह फायर ब्रिगेड आ गया, समय पर आ गई। हाँ, समय पर आ गई। अब कोई आपके आग पे काबू पा लिया गया है? हाँ, आग पे काबू पा लिया गया है, बहुत बड़ी दुर्घटना से बच चुकी। क्या नाम है आपका? प्रदीप लक्सकार, बूंदी फिलिंग से।